दोस्तों एक छोटा बच्चा हमारे पास आया था, वो इसको बनाया है, ये हमने नहीं बनाया, वो वीडियो देख के यूट्यूब पर ऐसा बनाया है और इसका कनेक्शन उसको नहीं पता था, इसीलिए वो ठीक से बना नहीं पाया। दोस्तों अभी के टाइम यूट्यूब ये सब जो वीडियो है ना इसको प्रमोट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए सबके पास ये वीडियो नहीं जा रहा है और जो लोग ये सीखना चाहते हैं उसके पास तो जाता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। इसका जो फिगर जो है सही लेके आ गया है, आप देख सकते हैं, इसको खोलेंगे पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या लगाया है। ये देख सब वो यूट्यूब पे देख के बनाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कनेक्शन उसको पता नहीं है इसीलिए वो मेरे पास आया है, इसको कनेक्शन कर देंगे हम। ये ICB रेगुलेटर IC 5 वोल्ट ये भी लेके आया है और एक 6283 जो IC वाला जो बोर्ड है वो भी ले आया है कि 12 वोल्ट सॉकेट भी लगा दिया है। चलिए इसको फिट करते हैं। कुछ वायर कट कर लिया है, बोर्ड का कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कनेक्शन है, कैपेसिटी के साथ लगा हुआ है, ये नेगेटिव पॉइंट, तो यहाँ पर हम नेगेटिव कनेक्शन दे देंगे, ये पॉजिटिव के लिए यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। ये जो वायर लिया है हमने ये वॉल्यूम स्विच का कनेक्शन करना है, ये नेगेटिव वाला पाथ है, तो यहाँ पर ब्लू वायर को सोल्डिंग करेंगे लेफ्ट चैनल ऑडियो और ग्रीन वायर को हम राइट चैनल ऑडियो के साथ सोल्डिंग कर देंगे। ये स्पीकर का नेगेटिव और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंडेंसर लगा हुआ है, तो दो कंडेंसर के ऊपर एक एक पॉइंट जो है ये खुला हुआ है, तो एक एक पॉइंट पे आप स्पीकर का कनेक्शन करना है। ये देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन है लेफ्ट चैनल राइट चैनल, ये स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन है और ये राइट चैनल और बीच में आपका नेगेटिव है और एक छोटा वायर लेंगे इसको, ये बीच का जो दो पॉइंट है इसको शॉर्ट कर देना है आपको। ये जो रेड वायर जो है ये स्विच के साथ जाएगा और एक जो रेड वायर है वो भी स्विच के ऊपर कनेक्शन होगा, नेगेटिव जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव वायर को थोड़ा छील के बड़ा कर लेंगे, देखिए नेगेटिव वाला पॉइंट को सोल्डिंग कर देंगे, पॉजिटिव वायर जो है इसको ले जाके इस साइड वाला पिन में कनेक्शन कर देना है। ये दो वायर को ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ फिर से सोल्डिंग करेंगे। IC लिया है हमने 5 वोल्ट का, इसके साथ कनेक्शन करना है। ये ब्लैक वाला वायर जो है ये बीच में कनेक्शन हो जाएगा आपका, जो पॉजिटिव वाला वायर है 12 वोल्ट वो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ये उसी बोर्ड का कनेक्शन है, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, अभी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ सोल्डिंग और पॉजिटिव को हो गया, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट और उससे पहले ये 12 वोल्ट के साथ इस LED को ग्लो कर रहा है, तो 12 वोल्ट में चलाएंगे। एक रेजिस्टेंस लेंगे 1K का, पॉजिटिव पाथ यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो हम यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है और इसको ले जाके यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। अभी इसको कवर कर देंगे उसको, यहाँ पर इसको के मदद से टाइट कर देंगे। अभी ये जो कनेक्शन है यहाँ पर करना है, देखिए ये स्टीरियो वाला बोर्ड है और ये जो स्टीरियो वाला बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम स्विच लगा गया है ये सिंगल स्विच, ये स्टीरियो नहीं है, तो इससे आपका जो बोर्ड जो है ये काम ठीक से नहीं करेगा, बेस्टेबल, तो बेस्टेबल के लिए यहाँ पर डबल स्विच लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर बेस्टेबल का कनेक्शन हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा कनेक्शन ही कर देंगे। यहाँ पर ये जो वायर है इसका कनेक्शन खोल लेंगे और इसका कनेक्शन नीचे से करेंगे तो ये वाला बोर्ड को खोल लेंगे। देखिए इसका जो कनेक्शन, इसको खोलने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक हम सेफ्टी जेनर लगाएंगे, 5 वोल्ट के साथ लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर पता है ये जेनर हमने क्यों लगाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और ये जो जेनर है कितना वोल्ट का होता है अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। यहाँ से 3 वायर कनेक्शन करेंगे,
ये लेफ्ट चैनल है, बीच में ग्राउंड है और उसके बाद ये राइट वाला चैनल। इसको थोड़ा बड़ा करके कट करना है, इसको को टाइट कर देंगे फिर से, डिस्टेंस को जो है कवर कर देना है, कहीं पर लग के शॉर्ट हो सकता है ऑडियो जो है, किसी भी वॉल्यूम स्विच के साथ लगाना है। देखिए यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है, बीच वाला कनेक्शन है, इसको यहाँ पर कर देंगे। नेगेटिव का कनेक्शन है, नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। देख सकते हैं, ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर एक कनेक्शन और यहाँ पर एक कनेक्शन। यहाँ पर हमने एक वायर ले लिया है, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे। और जो नेगेटिव पॉइंट है वॉल्यूम स्विच का, यहाँ पर कनेक्शन कर देना है, लोग के साथ चला जाएगा यहाँ पर ड्रेन के साथ सोल्डिंग हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ये उसके साथ शॉर्ट हो जाएगा। वायर है, ये बोर्ड का नेगेटिव, ये नेगेटिव दोनों एक साथ शॉर्ट कर दिया है हमने। यूएसबी बोर्ड का प्री ऑडियो और ये भी यूएसबी बोर्ड का प्री ऑडियो कनेक्शन हो गया है, और यहाँ से ऑडियो कनेक्शन, ये सिंपल सा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम उसको पैक कर देंगे, ठीक से कनेक्शन को समझ लीजिए, ये कैसा कनेक्शन दिया हुआ है हमने। ये एक वॉल्यूम स्विच का एक साइड का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड का हो गया आपका, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट आप अगर चाहे तो ये बैलेंस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर तीन को वायर हमने ले लिया है, इस साइड में ग्रीन को सोल्डिंग करेंगे, बीच में और ग्रीन ब्लू को, और यहाँ पर योलो को। अभी ये बीच वाला जो ब्लू वायर है ये ब्लू के साथ सोल्डिंग हो जाएगा, येलो को येलो के साथ सोल्डिंग कर देंगे और ग्रीन को ये बीच वाला ग्रीन के साथ सोल्डिंग कर देंगे। हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो गया है। अभी इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं, उससे पहले एक बार लाइन चेक कर लेंगे। अभी इसको ऑन करेंगे, इस साइड को भी टेस्ट करेंगे। हम इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं। दोस्तों आप अगर ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में देखना और सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम इस चैनल में लाते रहते हैं। दोस्तों भाई को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।